हेलो एंड वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज बात करने वाले हैं हम 4 अगस्त 2020 को SN5 के सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट की और जानेंगे SN5 स्टारशिप, SpaceX और SpaceX के CEO एलन मस्क के बारे में। 4 अगस्त 2020 को एक डिटरमिन्ड इंजीनियर एलन मस्क का सपना यानी SN5 स्टारशिप ने 500 फीट की उड़ान भरी और सक्सेसफुली लैंडिंग भी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की कंपनी SpaceX की, जिसने एक ऐसा पावरफुल स्पेसक्राफ्ट या आप कह दीजिए सुपर हेवी रॉकेट बूस्टर डिज़ाइन किया है, विच विल एक्ट एज अ रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर क्रू एंड कार्गो। सुनने में ही ये बड़ा एक्साइटिंग सा प्रोजेक्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट आपका अर्थ की ऑर्बिट, मून और मार्स तक ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये स्टेनलेस स्टील एयरक्राफ्ट कैपेसिटी रखता है 100 मैट्रिक टन के वेट को कैरी करने की, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करने वाली बात है। इस स्पेसक्राफ्ट की जो टेस्ट फ्लाइट थी वो सदर्न टेक्सास के बोका चीका में हुई। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। स्टारशिप प्रोजेक्ट आपका एक तरह का रॉकेट प्रोजेक्ट है एंड SpaceX के अकॉर्डिंग ये काम करेगा एक कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट की तरह और कैपेबल होगा क्रू एंड कार्गो को स्पेस में ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए। यूं समझ लें कि ये पूरी तरीके से रीयूजेबल व्हीकल होगा और इसका जो लॉन्चिंग कॉस्ट होने वाला है वो काफ़ी लो होगा। ये स्पेसक्राफ्ट आपका काफ़ी पावरफुल होगा, कई सारे कामों में यूज़ होने वाला है। जैसे कि सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो है इसकी रीयूजेबिलिटी, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इंटरप्लैनेटरी फ्लाइट्स के लिए, और ये फ्लाइट्स आपकी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगी। सबसे अच्छी बात जो इस एयरक्राफ्ट की है वो ये है कि रीफ्यूलिंग हो सकती है। मींस जब आपका एयरक्राफ्ट स्पेस में जाएगा और सपोज फ्यूल ख़त्म हो जाता है, इन दैट केस अर्थ से दोबारा फ्यूल को भेजा जा सकता है रीफ्यूलिंग के लिए। अगर हम इसे इसरो के GSLV MK3 से कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में ये कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। स्टारशिप की 2 स्टेजेस होंगे। स्टेज 1 जो आपका सुपर हेवी बूस्टर होगा, जो हेल्प करेगा अर्थ से स्पेस में और स्पेस से अर्थ में रॉकेट को लाने और ले जाने में। दूसरा होगा आपका स्टेज 2, जिसे स्टारशिप नाम दिया गया है। ये करेगा आपके पेलोड्स और पैसेंजर्स को कैरी करने का काम। SpaceX के अकॉर्डिंग ये आपका जो स्पेसक्राफ्ट है बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा मून पर और आपके मार्स पर कॉलोनी बिल्डअप करने के लिए। मेन मिशन जो इसका है वो है मार्स पर कॉलोनी बिल्ड करने का। अगर हम मार्स पर कॉलोनी बिल्ड करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए कई सारे इक्विपमेंट्स अर्थ से मार्स पर पहुंचाने होंगे, तो ये आपका स्पेसक्राफ्ट हेल्प कर सकता है ये कार्गो के लिए, चाहे बात मून पर माइनिंग की हो या फिर मार्स पर कॉलोनी बनाने की हो। दोनों में ही जो इक्विपमेंट रिक्वायर होंगे वो इस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू स्पेस में भेजे जा सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि ये स्पेस टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। जिस तरह से इंसान फ्लाइट के थ्रू दुनिया में कहीं पर भी जा सकता है, इंडिया से लंदन, लंदन से ना जाने कहां कहां आसानी से जा सकता है, तो हो सकता है कि हम आज से स्पेस के किसी भी प्लैनेट या मून पर भी जा सकें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 4 अगस्त 2020 को इस स्पेसक्राफ्ट की सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है और ये अपनी पावर पर ग्रेविटी से फाइट करके उड़ चुका है। अब बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। इनका फुल नेम एलन रिवे मस्क है। ये 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। ये एक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और फिलेंथ्रोपिस्ट होने के साथ साथ एक जीनियस भी हैं। यूं समझ लीजिए कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इनके ही हाथ में है। 24 साल की उम्र में ही इन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी बनाई थी जो न्यूज़पेपर्स के लिए मैप बनाने का काम करती थी, और इन्होंने इस कंपनी को 1999 में कॉम्पैक नाम की एक कंपनी को $340 मिलियन में बेच दिया। इसी पैसों से इन्होंने मार्च 1999 में एक ईमेल पेमेंट कंपनी बनाई जिसे हम आज PayPal के नाम से जानते हैं। मई 2002 में मस्क ने SpaceX नाम की कंपनी की फाउंडेशन रखी, जो एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसके अलावा ये कई बड़ी कंपनी जैसे टेस्ला और सोलर सिटी के भी CEO हैं। उम्मीद करते हैं कि मिस्टर एलन के मार्स पर कॉलोनी बनाने का सपना जल्द ही साकार होगा और हम जैसे आम लोग भी स्पेस की तरफ उड़ान भर सकेंगे। थैंक यू।